आज मैं पनीर भुर्जी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये पनीर है मेरा 200 ग्राम है, इसे मैं चॉप्ड कर दूंगी। ये देखिए मैं काट रही हूँ इसे। छोटे छोटे टुकड़ों में ये चॉप कर रही हूँ। गैस पर फ्राई पैन चढ़ाई हूँ, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल आप डाल दें। गरम हो गया है तेल, इसमें जीरा 1/2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च उसको डाल दें, प्याज डाल रही हूँ 2 प्याज जो मैंने काट कर रखा था, ये भी चॉप्ड ही होना है। बस इसे गुलाबी होने तक फ्राई करें। ये देखिए गुलाबी हो रहा है, ये लगभग 1.5 मिनट लगेगा। इसमें टमाटर 2 मीडियम साइज के हैं वो भी चॉप्ड है। मैं नमक डाल दे रही हूँ, टेस्ट के अनुसार आप डालना। मैं इसमें 1 चम्मच डाली हूँ, ये भी 1.5 मिनट लगभग भून देना है ऐसे भी। इसमें टमाटर हो चुका है फ्राई, इसमें गरम मसाला डाल दी, मैं बटर डाल दी। सभी को मिलाते चलिए। बटर देने से कलर नया कलर आ गया इसमें। अब पनीर डाल दूंगी। पनीर को मिला लें, 1/2 मिनट इसे भी मिला लें। सभी मिल चुके हैं सभी चीज। मलाई जो मैंने रखा था उसे डाल दूंगी। इसे भी 1/2 मिनट मिलाइए। गैस मीडियम पर ही रहेगा गैस का फ्लेम। गया है ये भी। अब इसमें दूध डालना है, धीरे धीरे दूध डालिए और मिलाते जाइए। सारा दूध मिल गया, इसे ढक दूंगी। इसे आप 2 मिनट के लिए ढक दो।
देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब ये लगभग तैयार है। तो मैं गार्निश कर दे रही हूँ धनिया पत्ती से, थोड़ा सा धनिया पत्ती अलग रख ली हूँ, अब इसे मिला देती हूँ। बस सब्जी रेडी है।